हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों डेक्स से मैं करेंट एनर्जी देखूंगी और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे आज के दिन में करंट एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आज के दिन में। सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी है बॉटम से। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है एट ऑफ वांड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, विल टेक सम मोर कार्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस इस डेक से निकल कर आया है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज आज के दिन में क्या चल रही हैं। फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों की एनर्जी आज के दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, अपने अपने कार्मिक्स के साथ। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, वहाँ पर इनकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है या फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, बंधन में बंधे हैं, ऐसा लग रहा है कि निकल जाना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर स्पाई भी आपको कर रहे हैं आज के दिन में। इनकी एनर्जी बहुत लो है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आज के दिन में ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हुई हैं जिसकी वजह से ये बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं या जा सकती हैं, या इन्हें ऐसा लगेगा कि इनके अंदर ही कोई गिल्ट है जो ये रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत हैवी पर्जिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन में। इस डेक से ये एनर्जी निकल कर आई है। और इस डेक से क्या आया है, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में नंबर थ्री एम्प्रेस की कार्ड है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनको धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को किसी से हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है, या तो ये बहुत दुखी फील करेंगे, अकेला फील करेंगे, या तो इनकी फ़ाइट हो सकती है जो भी आपके खिलाफ इनको भड़का रहा है। जस्टिस की एनर्जी है इनके लाइफ में, जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं, ये खुद रिलीज़ करेंगे या फिर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी जिसके बाद ये रिलीज़ कर देंगे। आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से मूवमेंट नज़र आ रहा है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनसे कोई गलती हुई थी तो उसका रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है। अगर पास्ट में इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी या आपकी वैल्यू नहीं समझे थे तो इस सेपरेशन के बाद इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और ये डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, जो कुछ भी होगा इसमें डिवाइन की मर्ज़ी है। मैसेज आएगा तो ये आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कितने दुखी हैं, इनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये भी डिस्कस कर सकते हैं।
इनके लाइफ में अगर कोई लीगल सिचुएशन है वो भी आपसे शेयर कर सकते हैं, इनके लाइफ में ये कहाँ से निकल जाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आपको पेशेंस रखना है, अपना इनर वर्क जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आज के दिन में, प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। फर्स्ट कार्ड है नंबर 4, नंबर 1, अगेन नंबर 4, नंबर 5, ट्रुथ, नंबर 2, क्राउन चक्रा, बेस चक्रा एंड डेस्टिनी। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके लिए 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 4 आवर्स 4 डेज, लेकिन इस 4 आवर 4 डेज में काफ़ी कुछ आपको चेंज नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, प्लस आपके साथ भी उनका ट्रिगर मोमेंट आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि वो आपसे काफ़ी कुछ शेयर करें, काफ़ी अपनी पर्सनल चीज़ें आपको शेयर करें, लेकिन उसके बाद सडन एक दिन दो दिन के अंदर उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो कि यार मुझे नहीं बताना चाहिए था या मैंने क्यों शेयर कर दिया, और वो आपसे हाइड करने लगेंगे या भागने लगेंगे या कम बातचीत होने लगेगी या आपको किसी बात पे ट्रिगर दे सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। अगर उनका मैसेज आता है तो ठीक है, बात कीजिए, बट उनकी कोई भी सिचुएशन पे आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। लेट्स क्लेरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है, विथ एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, आपसे डिस्कनेक्ट थे, आपसे सेपरेशन में थे, तो आपको मैसेज आ सकता है, आपसे बात करना चाहते हैं, ये जो डिस्कनेक्ट था ये दूर हो सकता है, मूवमेंट नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? इनकी विश है आपके साथ शादी करना या आपको कमिटमेंट देना, इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। पैशन इग्नाइट क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स, इनके लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं, जो भी थर्ड पार्टी हैं, उनसे बाहर निकलकर ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं थे, न थे, न हैं और न रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अगर थर्ड पार्टी की वजह से या किसी ऑप्शंस की वजह से आपको छोड़े हैं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है उस सिचुएशन में, और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अधूरे हैं, ये इनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी। यूनियन की एनर्जी है, जब तक ये आपके साथ यूनाइट नहीं होंगे इनके लाइफ में वो कम्प्लीशन इन्हें फील नहीं होगा। तो ये किसी भी वजह से अगर आपसे सेपरेट हुए थे या आपको इन्होंने हर्ट किया था या किसी और को प्रायोरिटी दी थी आपकी जगह पे, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन इनको होगा आने वाले समय में। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए विद इन 4 डेज भी रियलाइजेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स के अंदर या 4 आवर्स के अंदर भी हो सकता है। सो न्यू बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं। हारमोनी की एनर्जी है, पैशन बहुत ज़्यादा है। ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है? कैसा ट्रुथ? थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सच्चाई इनके सामने आ सकती है, जिसको सुनकर या सोचकर ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, जो होगा डेस्टाइंड होगा, तो आपको पॉजिटिव रहना है, होप रखना है। यहाँ पर ये किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक हैं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपको इन्होंने छोड़ा है तो ये सफ़र कर रहे हैं, उसका पछतावा इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने क्यों किया ऐसा,
या आपको हर्ट क्यों किया, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर्स को। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्या कोई मैनिपुलेट कर रहा है? यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी मैनिपुलेट कर रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी। टावर की एनर्जी है। क्राउन चक्रा एंड बेस चक्रा क्यों आया है? इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, सेल्फ लव में आएंगे। अवेकनिंग चल रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के काउंटर पार्ट की, आपके पार्टनर की। डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है? क्या बात है, जो डेस्टाइंड है वो होगा आपके साथ। इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो स्पिरिचुअल यूनियन अगर डेस्टाइंड है तो वो होना ही है, वो तय है और वो हो के रहेगा। सो ये एनर्जी यहाँ से आज निकल कर आई है नेक्स्ट एक्शन में। आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, आप बड़े बड़े वीडियोस बनाया करिए। लेकिन एक्चुअली मेरे साथ ये सीन है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपका इम्पॉर्टेंट समय मैं ज़्यादा ना लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए उतना मैं आपको ज़रूर बता दूँ, उतनी गाइडेंस आपको मैं ज़रूर दे दूँ। और मैं कोई भी चीज़ को खींचना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव कीजिए, आगे बढ़िए, भगवान के साथ, डिवाइन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी लाइफ में जो भी आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं, मेरी आदत ही है जल्दी बोलने की, तो मैं किसी भी चीज़ को खींचना पसंद नहीं करती हूँ। जो है, जो बताना है वो मैं पूरा बताती हूँ। ठीक है, तो होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। जब बड़े वीडियोस बनते हैं तो मुझे खुद वो हो जाता है कि अरे आज मैंने 30 मिनट के वीडियो बना लिए, या अरे आज इतना लंबा वीडियो बन गया। लेकिन जब वो बनना है तो वो बन जाता है, वो अपने आप कार्ड्स क्लैरिफाई करने में समय लगता है। और जब पॉजिटिव एनर्जी है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, तो मैं ज़बरदस्ती का खींच नहीं पाती हूँ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या गाइडेंस है आज के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन फर्स्ट कार्ड है। सेकंड कार्ड है आपके लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन है इस वक्त वो इम्प्रूव होगी। अगर आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करने की सोच रहे हैं, या उनको किसी तरह की सिंपैथी देने की सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपसे शेयर कर दिया है कुछ, तो उन्हें बिल्कुल भी आपको सिंपैथी नहीं देनी है, बल्कि उन्हें बूस्ट कीजिए, मजबूत कीजिए। आप उनके साथ हैं, यही उनकी ताकत है। इफ़ यू बिलीव, पॉजिटिव रहिए, बिलीव करिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, बीच का रास्ता निकलेगा कुछ लोगों की लाइफ में। अपॉर्चुनिटी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लाइफ में। अचानक से कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं, ऐसी ग्रोथ, ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो आपको लगे कि वाह क्या बात है, मेरे लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा हो गया। कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं या कॉल रिसीव हो सकते हैं, तो उतना ही बात कीजिएगा जितना आपको लगे कि ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा सिंपैथी देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो शेयर करते हैं तो उन्हें बूस्ट कीजिए, बोल दीजिए सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी है, तो डिवाइन सोल्स पे हमेशा भगवान अपना आशीर्वाद रखते हैं। यस का कार्ड है, विद मेडिटेशन ब्रिंग यू आंसर। यस की एनर्जी है, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, आपके लाइफ में अच्छे के लिए होगा। आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, बैलेंस में रहना है, सरेंडर टू डिवाइन, सब कुछ छोड़ दीजिए डिवाइन पर। जो होगा आपके लाइफ में वो उनकी मर्जी से उनके समय पर अपने आप होगा। सो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस में रहना है और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। सो दिस इज़ योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।